हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। जैसे कि आपको पिक्चर देख के लग ही चुका होगा कि ये जो फीवर हैं वो संबंधित हैं पिक्स, या जो हम हिंदी भाषा में जिसे बोलते हैं सुअर से संबंधित फीवर हैं। हम इसकी डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है और इसके कॉजेज क्या हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के डिटेल के बारे में बात करेंगे, और आपको एक वीडियो के लास्ट एंड में आपको एक एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेगा जो हमारे पास यूपीएससी से रिलेटेड रहेगा। उस क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा इसकी नॉलेज हो जाएगी कि आप इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। चलिए हम अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बेसिक डिटेल देख लेते हैं। चलिए, तो अभी हाल ही में जो हमारे पास COVID-19 लॉकडाउन होने के बाद जो हमारे पास एक नया वायरस इमर्ज हुआ है, उसका नाम है हमारे पास अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो ये हमारे पास इसके क्या हुआ है, असम और जो अरुणाचल प्रदेश है, हमारे पास इंडिया के जो स्टेट हैं, उसमें हज़ारों की तादाद में पिग्स की डेथ्स हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही बड़ी एक डिजीज़ के रूप में सामने आया है। तो ये फीवर, अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि ये फीवर क्या अफ्रीकन स्वाइन फीवर ह्यूमन को होता है या नहीं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे नहीं। ये हमेशा ही क्या जानवरों में एक फीवर पाया जाता है वाइल्ड में। तो हमारे पास ये वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस हैं, जिससे क्या होता है, उन्हें एक खतरनाक तरीके से उन्हें बुखार जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है पिग्स को। तो इस डिजीज़ के केस में क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन जो रेट होता है ऑलमोस्ट 100% होता है, कि अगर ये किसी पिग्स को अगर ये बुखार हो जाता है तो उसके मरने के चांसेस पूरे 100% हो जाते हैं, तो वो पिग्स मर जाता है। तो डायरेक्ट रूप से हम इसे कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये कंटेनरी मटेरियल होते हैं, जैसे फूड, हमारे पास फूड वेस्टेज, फीड और ग्रेनेज जैसे गार्बेज जैसे और बायोलॉजिकल, तो ये पारे सारे के सारे इसमें इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं। तो अब हम इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि स्वाइन फीवर के बारे में, जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है उससे संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास तीन स्टेटमेंट दी गई हैं। हमें इन तीनों स्टेटमेंट में देखना है कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अफ्रीकन स्वाइन फीवर से संबंधित करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, अफ्रीकन स्वाइन फीवर से जो है डिजीज है जो अफेक्ट करती है वाइल्ड एंड डोमेस्टिक पिग्स को, जो हमारे पास जंगल में रहने वाले या हमारे पास घरों में जो पालतू हैं, पालतू मान लीजिए, या जो जिसकी फार्मिंग करते हैं पिग्स की, तो उनको यह पूरी तरह से इफेक्टेड करती है फीवर के तौर पे। तो जैसा कि हमने आर्टिकल में डिस्कस कर लिया था कि ये फीवर पिग्स को होता है, या वो आप उसकी एग्रीकल्चर में या कल्टिवेशन में हो या हमारे पास जंगल में हो, उन दोनों को ही ये फीवर होता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला जाता है कि जो हमारे पास इसमें जो फर्टिलिटी रेट है ऑलमोस्ट 100% इसका फर्टिलिटी रेट है। तो हमने आर्टिकल में जैसे कि डिस्कस कर लिया था कि जो इसका फर्टिलिटी रेट है वो 100% है। तो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास हो जाता है यहाँ पे करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। तो अब हम इसकी लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास बताया जा रहा है जैसे कि बायोलॉजिकल वैक्टर्स सच एज ट्रिक, जो हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं, ये एक दूसरे से ट्रांसमिट होती हैं डिजीज, जैसे कि हमने आर्टिकल के एंड में देखा था, ये देख लीजिए, जो हमारे पास लास्ट में हमने देखा था कि ट्रांसमिट होती हैं थ्रू बायोलॉजिकल वैक्टर्स सच एज ट्रिक्स, जो हमारे पास गार्बेज था इसमें, फीड, और हमारे पास लास्ट में फूड वेस्टेज जैसे इसमें थे। तो हमारे पास ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे भी करेक्ट हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास तीनों की तीनों स्टेटमेंट अफ्रीकन स्वाइन फीवर से संबंधित करेक्ट हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा, हमारे पास ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा।